हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ साड़ी के लिए ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल। तो चलिए, किस तरीके से, मुझे ज़्यादातर हाई बन पसंद आते हैं एंड कहीं जाने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। मैं यहाँ की बहू हूँ तो पल्लू भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप भी न्यूली मैरिड हो या फिर कहीं जा रहे हो शादीशुदा ससुराल की तरफ से जाना है तो पल्लू तो रखना ही पड़ेगा। तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो मैंने इस तरीके का पफ लिया हुआ है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से मैंने पफ को सेट कर लिया है। देन फ्रंट के सारे हेयर को इस पफ के ऊपर से लेके जाऊंगी और एक अच्छा सा पफ क्रिएट करूंगी। वाह, ओके। आपका भी अगर राउंड फेस है, चौकोर फेस है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा आप पे। आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देना है और अच्छे से ट्विस्ट करके सिक्योर कर लेना है। कई लोगों की रिक्वेस्ट भी आती है कि मैम फुल पफ बताइए, थोड़े बालों में नहीं, पूरा फ्रंट से जो हेयर लेके बनाते हैं। तो आज मैं इसी तरीके का बना रही हूँ गाइस। तो जिनको भी इसकी ज़रूरत है, आज उनकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है, वो बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपके बाल पतले हल्के हैं तो आप ये पफ ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज विदाउट पफ का भी आपका हेयर जो हेयर स्टाइल है, जो आगे का फ्रंट का पफ होता है वो इजीली बन जाएगा। तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सेटिंग स्प्रे ले लूँगी। सेटिंग स्प्रे को डायरेक्ट बालों पर नहीं लगाना है, थोड़ा सा कॉम पर लेके इस तरीके से सेट कर देना है, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और बेबी हेयर्स आपके लुक को ख़राब भी ना करें। तो बन गया ना बहुत इजीली, इजी तरीके से बहुत खूबसूरत सा हमारा पफ यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। मैं दो चार क्लिप्स अच्छे से लगा ले रही हूँ एंड यहाँ पे जो क्लिप है वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, बहुत टाइट लग रहा है। तो दोबारा से ओपन करके और दोबारा से इसको ऐड करूँगी। ओके, अब बैक में क्या करना है, अगर आपको खुले बाल पसंद है तो आप खुले भी रख के जा सकते हो, नहीं तो अगर आपको कंफर्टेबल लुक चाहिए, खुले बाल आपको संभालने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से मेरी तरह हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो मैं इस तरीके से पूरे बालों को अच्छे से कॉम कर ले रही हूँ एंड एक रबर बैंड से, ये एक रबर बैंड से अच्छे से टाइट कर लेंगे पूरे बालों को, हाई पोनीटेल। ओके, अब हाई पोनीटेल बनाने के बाद से आपको क्या करना है, आपको अगर अपने बालों, आपके बाल काफ़ी छोटे हैं मेरी तरह, तो आप एक डोनेट बन का हेल्प लेके अपने बालों को बड़ा और अच्छा दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डोनेट बन को पोनीटेल के हेयर में इस तरीके से इंसर्ट कर दिया है। जरा अच्छे से पोनीटेल के हेयर को फैला लूँगी चारों तरफ से और अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि इसका लुक जो है वो क्लीन आए। जरूरी नहीं है कि आप हाई में ही बनाओ, आप लो में भी बना सकते हो ये हेयर स्टाइल। अब थोड़ा सा हेयर लेंगे एंड इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन ट्विस्ट करते जाएंगे और थोड़े थोड़े हेयर ऐड करते जाएंगे। ओके, थोड़े थोड़े हेयर लेके ऊपर के तरफ से नीचे की तरफ को ऐड करते जाएंगे। और थोड़ी सी गैपिंग देनी है जिससे कि जो हमारा डोनट बन है वो अच्छे से हाइड होता जाए। क्लीन लुक आना चाहिए एकदम, ध्यान से बनाइएगा। तो आप देख सकते हो छोटे बालों में भी, छोटे भी पतले हल्के बाल हैं तो भी ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। छोटे बालों में भी आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो और अपना
अपने बालों को काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो और लगेगा कि अपने आपके ओरिजिनल हेयर हैं एंड काफ़ी बड़े और खूबसूरत दिखेंगे। तो मैं अच्छे से यूपिन इसमें ऐड कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है और मेरा हेयर स्टाइल खुल ना जाए, तो आप भी अच्छे से यूपिन ऐड कर लीजिएगा। और ये अब हेयर स्टाइल जो हमारा बन के रेडी हुआ है इसको आप 24 घंटे के लिए जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। वाह एंड दैट्स इट, ये हमारा बन बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। तो डेली आपको कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल में डिफरेंट देखने को मिलेगा एंड काफ़ी अच्छा लुक आता है बनने के बाद से हेयर स्टाइल का। तो आपने कौन सा हेयर स्टाइल ट्राई किया और ये वाला हेयर स्टाइल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज, अगर आपके पतले हल्के बाल हैं और मीडियम लेंथ के हैं तो कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। सेकेंड चैनल पर स्किन केयर रूटीन, मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज अपलोड होती रहती है, तो प्लीज़ उस चैनल पर भी जाइए, उसको भी सपोर्ट कीजिए और मुझे मेरे दोनों चैनल को आप लोग की मदद से ही सपोर्ट मिल रहा है एंड उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसी सपोर्ट करोगे जैसे कि आप पहले वाले चैनल को सपोर्ट करें वैसे सेकंड चैनल को भी करोगे, उस पर भी अमेजिंग वीडियोज मैं आप लोग के लिए लेकर आते रहूँगी। रील्स देखना पसंद है तो इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी प्रीति बाई 24 है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो गाइस देखिए मैं इस तरीके से हाई बन बनाने के बाद से ऐसे पल्लू सेट करती हूँ और कहीं भी मार्केट वगैरह जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब भी आप पल्लू सेट करते हो एक टिप दे देती हूँ, थोड़ा सा इस साइड के पल्लू को लूज रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल रहो आप। और उसके बाद से आप इस तरीके से यूपिंस ले लो और इसको सेट कर दो पल्लू को अपने हेयर जूड़े के साथ, जिससे कि आप कितना भी मूव करो, कहीं भी जाओ, बाइक पर बैठो, आपका पल्लू गिरेगा नहीं एंड आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। तो है ना बढ़िया सा टिप, तो आप ट्राई कर लेना। और चलते हैं मार्केट, जा रहे हैं, बाय बाय।